जी हां तो आज आप सबको बताएंगे कि मनीष कश्यप सीधा जेल से निकलने के बाद मम्मी पापा से बिना मिले मगध की धरती गहलोर घाट क्यों पहुंचे सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इतने महीने नौ महीने जेल में रहने के बाद आखिर वो गया ही क्यों आए आखिर भाई सबसे बड़ी बात की दुनियादारी जब निकलेगा तो मंदिर जाएगा मस्जिद जाएगा माँ पिता से मिलेगा लेकिन सारे चीजों को त्याग कर सीधा वो गहलोर घाट पर्वत पुरुष कहे जाने वाले मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी से मिलने आए और माल्यार्पण किए वहां हजारों की भीड़ थी और सिर्फ एक ही नारा गुंज रहा था आज या कल बिहार तो बदलेगा बिल्कुल और वीरता का प्रतीक जिनको बोला जाता है जो 22 साल की कड़ी मेहनत करके एक पहाड़ को चीर दिए थे तो मनीष कश्यप भी अपना दुख वहां पे जताने आए थे कि हम तो नौवे महीने न रहे हैं भाई ये तो 22 साल लगा दिए और 9 महीना अगर बिहार को बदलने में ही लग गया तो कौन सा बहुत बड़ा और महीना फिर ही नहीं महापुरुष के पास गए थे कि आप उनकी कहानियां जानकर दंग रह जाएंगे जानते ही होंगे नहीं जानते होंगे तो देखे होंगे आप उनका मूवी मांझी द माउंटेन मैन कहानियां क्या है कि उन्हें पूरा गांव पूरा समाज पूरा जवार पागल कहता था कि भैया कोई एक हथौड़ी से पर्वत कैसे बड़ा पहाड़ कैसे चीर देगा? लेकिन पत्नी उनकी गिर जाती है पहाड़ से उस चीज को ईगो में ले लेते हैं और पूरे पहाड़ को चीर देते हैं पता है पहाड़ को चीरना क्यों जरूरी था क्योंकि उस गांव से लोगों को बाजार जाने में सात आठ दस किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था जो महद एक किलोमीटर हो गया तो वहां आए माल्यार्पण किए तमाम हाँ उनके लड़का से भी मिले और उनका बस वहां पर एक ही सवाल था कि सब कुछ बदल गया फिल्म ने पैसा भी कमाया करोड़ों रुपए कमाया नेताओं ने इलेक्शन भी जीता लेकिन जिनके पिताजी ने ये इंपॉसिबल काम को कर दिखाया वो आज भी वही हैं जो कल मतलब मानजी जी के परिवार या बेटा या बेटी को क्या हुआ क्या मिला लाख ने नेता कहेंगे दलित के नेता बताएंगे शोषित के नेता बताएंगे वंचित के नेता बताएंगे लेकिन बदला कुछ भी नहीं बदला क्या तो सिर्फ ये बदला कि बहुत बड़ी कहानियां बन गई फिल्म बन गई आज नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में आ गया लेकिन परिवार वालों को कुछ नहीं मिला मनीष कश्यप अप, अपने मम्मी पापा से बिना मिले गया मगध की धरती पे पहुंचे फिर यहाँ से आठ घंटा का रास्ता सफर तय करके बिल्कुल बता रहे थे कि अभी हम गया आए हैं यहाँ से फिर हमको बेतिया जाना है और गया से बेतिया मतलब कितना भी स्पीड में चलिए तो छह से सात घंटा आपको लग ही जाएगा तो मतलब यह कह सकते हैं कि जेल से छूटने के बाद अगले दिन अपनी मम्मी से मनीष कश्यप मिले इनको सबसे ज्यादा प्यार अब सोचिए कि बिहार के बेटा सन ऑफ बिहार कहे जाने वाला लाडला मनीष कश्यप को इतना कौन सा चुनौती उनके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं बिहार को बदलना है और मांझी जी के पास भी इसलिए आए थे कि वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं संदेश था उनके पास तो इन्होंने भी ठाना है कि जब जब तक तक बिहार को को बदलेंगे नहीं जब तक को मिटाएंगे नहीं भ्रष्टाचारियों मिटाएंगे हम नहीं बदलने वाले और लोग ऐसे में पागल बोलने लगते हैं कि अपने माँ से नहीं मिला बिल्कुल चल गया वहाँ चल गया आप सबको पता तो है की योगी पान जी भी थे बिल्कुल उनको भी लोग पागल ही कह रहा था लेकिन आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम आता है तो इसीलिए आता है कि वो सर और समाज से जब बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं बिल्कुल और भैया इतिहास कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में ऐसे ही लोगों का नाम लिखाता है जब योगी धीराज अभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुख्यमंत्री बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो नहीं गए थे अंतिम दाह संस्कार में तो भैया ये लोग लोगों के लिए बने हैं देश के लिए बने हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि मनीष कश्यप का हैंड बनिए मजबूत करिए उनके हाथों का क्योंकि हम अब युवाओं के हाथों में भविष्य है देश का बिल्कुल अब आ, हम लोग मजबूत बनिएगा राज्य मजबूत होगा देश मजबूत होगा आने वाली नई पीढ़िया मजबूत होगी और बाकी आप जानते ही है कि इतिहास जो होता है ना वो पागल लोग ही बनाता है और जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उस इतिहास को पढ़ते हैं भैया बस बाकी मनीष कश्यप ने जो कर दिखाया है आप सबको पता है कि जो मनीष कश्यप ने कर दिखाया है भाड़ा पे भी इतना टैटू नहीं, नहीं आता बिल्कुल चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा लास्ट तक कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि मेरा राय कैसा लगा विदा लेना चाहेंगे नमस्कार प्रणाम रहेगा जय मगध जय बिहार रहेगा